स्टूडेंट्स, दिस इज योर होस्ट मनजीत सिंह एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रीडिंग फ्रॉम कैम्ब्रिज बुक 9 टेस्ट 3 पैसेज 1 एंड द नेम ऑफ द पैसेज इज एटीट्यूड्स टू लैंग्वेज. लेट्स गेट ऑन विद द रीडिंग. टिल लेट्स स्टार्ट विद द पैसेज एटीट्यूड्स टू लैंग्वेज एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज देयर आर अंडरस्टैंडेबल रीजंस व्हाई आर्ग्यूमेंट्स अकर अबाउट लैंग्वेज. कहने इस पे क्या कहा जा रहा है कि ये बड़ा समझा जा सकता है बहुत आसानी से. ठीक है, रीजंस कि आर्ग्यूमेंट होते ही क्यों है लैंग्वेज के बारे में. तो इसका जो जवाब है वो हमारे फर्स्ट पैरा में, यहां फर्स्ट पैरा के सेकंड लाइन में जहां पे लिखा है लैंग्वेज बिलोंग्स टू एवरीवन सो मोस्ट पीपल फील दे हैव अ राइट टू होल्ड एन ओपिनियन अबाउट इट. लैंग्वेज हर एक को बिलोंग करती है, वो सबकी है. सो ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि ना उनका भी राइट है किसी भी बारे में बोलने के लिए, उस लैंग्वेज के बारे में अगर कोई चीज चेंज हो रही है तो उसके बारे में बोलने के लिए. एंड व्हेन ओपिनियंस डिफर, जब ओपिनियन डिफर करते हैं मतलब सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं तो इमोशंस कैन रन हाई. इसका मतलब ये है कि फिर वो मतलब लड़ जाते हैं, एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं किसी ना किसी बात के ऊपर कि ये सही है या वो सही है. ठीक है, तो सबके अलग अलग आर्ग्यूमेंट होते हैं. सो इसका आंसर जो है वो यस है. ओके, सो ये है अंडरस्टैंडेबल रीजन है कि आर्ग्यूमेंट क्यों होते हैं. ओके, द नेक्स्ट वन, सेकंड, पीपल फील मोर स्ट्रांगली अबाउट लैंग्वेज एजुकेशन देन अबाउट स्मॉल डिफरेंसेस इन लैंग्वेज यूज. कहते हैं जो लोग हैं वो ज्यादा स्ट्रांगली सोचते हैं किसके बारे में, कि लैंग्वेज एजुकेशन के बारे में. ठीक है, किस चीज की कंपैरिजन में, स्मॉल डिफरेंसेस हैं जो लैंग्वेज यूजेज में कि वो कैसे होती है यूजेज या कैसे नहीं होती. तो ये आंसर नो है. इसका मतलब कि ये स्मॉल डिफरेंसेस के बारे में ज्यादा लड़ते हैं. ठीक है, इसके बारे में ही ये स्ट्रांगली मतलब आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं, कुछ ना कुछ करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, मेजर के ऊपर नहीं, माइनर के ऊपर ही शुरू कर देते हैं. सो ये जो है हमारा आंसर, ये गिवन है फर्स्ट पैरा लास्ट टू लाइन्स में जहां पे लिखा है आर्ग्यूमेंट्स कैन स्टार्ट एज इजिली ओवर माइनर पॉइंट्स ऑफ यूसेज. जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो स्टार्ट हो सकते हैं किस चीज के ऊपर, बड़ी इजिली स्टार्ट हो सकते हैं माइनर पॉइंट. ठीक है, किस चीज की यूसेज, कैसे हम यूज करते हैं लैंग्वेज को, एज ओवर मेजर पॉलिसीज ऑफ लिंग्विस्टिक एजुकेशन. अगर हम उसे लिंग्विस्टिक सॉरी मेजर पॉलिसीज से कंपेयर करें लिंग्विस्टिक एजुकेशन के बारे में. सो आंसर क्या है इसका, नो. ओके, तो स्मॉल डिफरेंसेस पे ही वो लड़ पड़ते हैं, एक दूसरे से लड़ जाते हैं. ओके, द नेक्स्ट वन एंड दैट इज थर्ड वन, आर असेसमेंट ऑफ अ पर्सन्स इंटेलिजेंस इज अफेक्टेड बाय द वे ही और शी यूजेस लैंग्वेज. जो हमारी असेसमेंट होती है किसी पर्सन की इंटेलिजेंस के बारे में, वो किस चीज से इन्फ्लुएंस्ड होती है, अफेक्ट होती है वो बाय द वे वो कैसे उस लैंग्वेज को यूज करता है. देखो बहुत सारे होते हैं वो जो हिंदी भी हिंदी बोलते हैं बहुत सारे लोग, बट कुछ लोग टपोरी भाषा में बोलते हैं. जैसे अगर हम किसी और साइड पे देखें इंडिया के किसी हिस्से में और किसी हिस्से में, तो मतलब लैंग्वेज वेरिएशन होती है. लाइक पंजाबी है, लाइक मैं खुद पंजाबी हूँ तो हिंदी बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी ही आएगी. ठीक है, तो वो लैंग्वेज में वेरिएशन आ जाएगा क्योंकि हमारा डायलेक्ट थोड़ा अलग होगा, तो उसी के बारे में बता रखा है. तो ये क्या है सेकंड पैरा के सेकंड लाइन में जहां पे लिखा है लिंग्विस्टिक फैक्टर्स क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंस हाउ वी जज पर्सनैलिटी, कैसे हम किसी को जज करते हैं. ठीक है, उसके बाद इंटेलिजेंस को कैसे जज करते हैं, सोशल स्टेटस, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, जॉब एप्टीट्यूड एंड मेनी अदर एरियाज ऑफ आइडेंटिटी एंड सोशल सर्वाइवल. तो ये क्या होता है, लिंग्विस्टिक फैक्टर्स बहुत ही ज्यादा मतलब अपना एक इंपॉर्टेंस रखता है, किसी भी चीज में इन्फ्लुएंस रखता है कि हम कैसे किसी को जज करते हैं. ओके, सो ये क्या हम जज करते हैं, पर्सनैलिटी से, इंटेलिजेंस से, इंटेलिजेंस जो हमारा पैरा में बात हुई है, और हाउ वी जज पीपल, तो वो कैसे आया यहाँ पे आया, पर्सन्स इंटेलिजेंस इज अफेक्टेड बाय द वे ही और शी यूजेस लैंग्वेज, जो कैसे लैंग्वेज को यूज करता है, तो उसके बारे में बता रखा. अगर हम शुरू से पढ़ें तब भी पता लग जाएगा, यहाँ पे लिखा लैंग्वेज मोर ओवर इज अ वेरी पब्लिक बिहेवियर सो इट इज ईजी फॉर डिफरेंट यूजेस टू बी नोटेड एंड क्रिटिसाइज. तो उसे यूज भी होगा, ठीक है, हम नोट करेंगे कैसे यूज हो रही है, क्रिटिसाइज भी करेंगे. एंड नो पार्ट ऑफ सोसाइटी और सोशल बिहेवियर इज एक्सेप्ट, कुछ भी बाहर नहीं है. एंड लिंग्विस्टिक फैक्टर्स क्या इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम कैसे लोगों को जज करते हैं, उनकी पर्सनालिटीज को जज करते हैं, इंटेलिजेंस को जज करते हैं, सोशल स्टेटस, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, जॉब एप्टीट्यूड, किस टाइप की जॉब करते हैं एंड मेनी अदर एरियाज ऑफ आइडेंटिटी, कि हम कैसे किसी को
मतलब लगा सकते हैं पता कि वो कहां से है कहां से नहीं है, और सोशल सर्वाइवल। ओके आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वन, जहां पे लिखा है प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर बुक्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी टू बाय इन द 18th सेंचुरी। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर बुक्स थी जो वो ज्यादा महंगी पड़ती थी, ठीक है, अगर हम कोई खरीदना चाहे 18th सेंचुरी में। सो 18th सेंचुरी की बात जरूर हुई है फोर्थ और फिफ्थ पैराग्राफ में, बट यहाँ पे कहीं भी ये नहीं बताया गया कि ग्रामर बुक महंगी थी या ग्रामर बुक की बात ही हुई हो, ऐसी ऐसी कोई नहीं है 18th सेंचुरी के साथ रिलेट करते हुए, कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। तो आंसर क्या है, नॉट गिवन है। ओके द फिफ्थ वन, प्रिस्क्रिप्टिविज्म स्टिल एक्सिस्ट टुडे। ओके प्रिस्क्रिप्टिविज्म, देखो यहाँ पे लिखा कि हमारे बीच आज भी है, तो पहले बताता हूं कि प्रिस्क्रिप्टिविज्म होता क्या है। प्रिस्क्रिप्टिविज्म देखो वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि जो वन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है वही सही है, जो हमने ग्रामर बनाई है बिल्कुल वही सही है, आपको वैसे ही बोलना है, आप कुछ और यूज नहीं कर सकते। और डिस्क्रिप्टिविस्ट वो होते हैं जो कहते हैं कि अगर कोई चेंज आ रहा है, अगर कोई नया वर्ड मतलब लोग यूज करना शुरू कर दिया अगर लोगों ने, तो वो उसे ऐड कर लो ग्रामर बुक में, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिविस्ट वो होते हैं जो खुले विचारों के होते हैं, बट प्रिस्क्रिप्टिविस्ट क्या होते हैं, वो कहते हैं कि हमने लैंग्वेज बनाई है, हम एलीट लोग हैं और आप ऐसे ही बोलोगे, ठीक है, और दूसरी लैंग्वेज में नहीं बोल सकते, हमने जो रूल बनाया है उसी रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो अगर हम एग्जाम्पल लें, काफी सारे वर्ड हैं जो फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे यूज करते हैं हम, जैसे लॉल यूज करते हैं, लॉल से यू नो लॉट्स ऑफ लाफ्टर शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम, शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहे हैं, जो कि प्रिस्क्रिप्टिविस्ट लोगों को पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि अगर यूज करना तो पूरा करो, अदरवाइज शॉर्ट फॉर्म में मत यूज करो उसे, ठीक है, तो लैंग्वेज के हिसाब से यूज करो। तो ये जो है आपका आंसर, ये है फिफ्थ का फोर्थ पैराग्राफ में। फोर्थ पैराग्राफ के अगर आप स्टार्ट से ही पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा है ऑल द मेन लैंग्वेजेस हैव बीन स्टडीड प्रिस्क्रिप्टिवली, ठीक है, जो भी मेन लैंग्वेजेस पढ़ी गई हैं वो कहती हैं प्रिस्क्रिप्टिवली हैं, एंड स्पेशली इन द 18th सेंचुरी अप्रोच टू द राइटिंग ऑफ ग्रामर एंड डिक्शनरी, जो अप्रोच रखी गई थी, ठीक है, ग्रामर और डिक्शनरी के बारे में 18th सेंचुरी में, तो वो सब क्या थी, प्रिस्क्रिप्टिवली थी, ठीक है, प्रिस्क्रिप्टिविज्म था उसमें। और अगर आप उसके बाद पढ़ोगे 7th-8th लाइन में, जहां पे लिखा हुआ है सम यूजेस आर प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, उनमें से कौन सी काफी सारी थी क्या प्रिस्क्राइब्ड थी टू बी लर्नड एंड फॉलोड एक्यूरेटली। तो बताते थे कि अगर ग्रामेटिकल रूल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रामेटिकल रूल्स रेगुलेशन अगर आपको यूज करना है तो उसी हिसाब से करना पड़ेगा। अथॉरिटेरियन जो थे वहां पे, उनका जो नेचर था वो क्या था कि बेस्ट अप्रोच क्या है कि आप रूल्स को फॉलो करो, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है सम यूजेस आर क्या था, प्रिस्क्राइब किया गया टू बी लर्नड एंड फॉलोड एक्यूरेटली, ताकि उसे सीखा जा सके, ठीक है, और फॉलो किया जा सके accurately, बिल्कुल सही तरीके से। तो उसके बाद उन्होंने अगली जो मतलब explanation दी है prescriptivism जो हमारे बीच अभी मौजूद है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है these attitudes are still with us, ठीक है, जो ये prescribed वाले हैं उनका जो है हमारे अंदर मतलब attitude, कुछ लोग हैं elite लोग जो अपने को elite समझते हैं, तो वो क्या है, still with us, हमारे साथ अब भी है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, फिफ्थ पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में। सो आंसर क्या है, आंसर यस। Okay, move on to the next one, that is sixth. According to the descriptivists, it is pointless to try to stop language change. देखो ये जो हमारा आंसर दे रखा है, क्वेश्चन है जो हमारा, ये क्या लिखा है कि descriptivists के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये पॉइंटलेस है, बिल्कुल बेकार है कि हम ट्राई करें किस चीज को, ट्राई करें लैंग्वेज चेंज को रोकने में, ठीक है। लैंग्वेज चेंज होगी, ऑब्वियसली होगी, लोग बदलेंगे, जनरेशन गैप बढ़ेगा, लैंग्वेज में चेंज आएगा, तो ये सब कुछ होगा, तो इसे पॉइंटलेस है उसे रोकना, ठीक है। सो आंसर क्या है, यस ऑब्वियसली इसे पॉइंटलेस है उसे रोकना। और ये जो है हमारा फर्स्ट पेज के लास्ट पैराग्राफ में अगर आप पढ़ोगे तो यहीं से गिवन है, लास्ट टू लाइन से यहाँ पे लिखा है दिस अप्रोच इज समराइज्ड इन द स्टेटमेंट, कैसे समराइज किया गया है, दैट इट इज द टास्क ऑफ ग्रामेरियन टू डिस्क्राइब, ठीक है, ये टास्क किसका है, ग्रामेरियन का है कि वो डिस्क्राइब करें उस चीज को, नॉट प्रिस्क्राइब, उसे दबाए ना, ठीक है, अगर लैंग्वेज चेंज आ रहा है तो उसे आने दे, टू रिकॉर्ड द फैक्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, क्या वो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के जो फैक्ट्स हैं उन्हें रिकॉर्ड करे, ठीक है, उन्हें अटेम्प्ट ना करे, इम्पॉसिबल टास्क क्या है, जो इम्पॉसिबल टास्क है उसे अटेम्प्ट करना, इवेल्युएटिंग लैंग्वेज वेरिएशन को इवेल्युएट करना और हॉल्ट करना लैंग्वेज चेंज को रोकना, ठीक है। तो लैंग्वेज चेंज को रोकना क्या है, यहाँ पे लिखा है इम्पॉसिबल टास्क है,
ठीक है, तो वो अटेम्प्ट ना करें, नॉट टू अटेम्प्ट द इम्पॉसिबल टास्क ऑफ इवेल्युएटिंग लैंग्वेज वेरिएशन, उसे इवेल्युएट करना और उसके बाद उसे रोकने की कोशिश करना, ठीक है, तो ये बेकार होगा उनके लिए, नहीं कर पाएंगे वो। ओके, आई होप कि आपको सिक्स समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द सेवंथ वन। डिस्क्रिप्टिविज्म ओनली अपीयर्ड आफ्टर 18th सेंचुरी। जो डिस्क्रिप्टिविज्म है वो कब आया, अपीयर हुआ 18th सेंचुरी के बाद में, यहाँ पे लिखा है, तो ये आंसर नो है, बिकॉज 18th सेंचुरी में नहीं आया, 18th सेंचुरी के बाद नहीं आया, 18th सेंचुरी में ही आ गया था। और ये भी इसकी जो लोकेशन है ये बिल्कुल सेम है हमारी, यहीं से आपको पढ़ना होगा, बिल्कुल सेम जो पढ़ा था हमने, लास्ट पैरा फर्स्ट पेज लास्ट टू लाइन्स। दिस अप्रोच इज समराइज्ड इन द स्टेटमेंट दैट इट इज द टास्क ऑफ ग्रामेरियन टू डिस्क्राइब नॉट प्रिस्क्राइब, ठीक है, डिस्क्राइब करना ना कि प्रिस्क्राइब करना, टू रिकॉर्ड द फैक्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड नॉट टू अटेम्प्ट द इम्पॉसिबल टास्क ऑफ इवेल्युएटिंग लैंग्वेज वेरिएशन, ठीक है, इम्पॉसिबल टास्क जो है हमारा वो कि ये अटेम्प्ट ना करें उसे रोकने के लिए, उसकी वेरिएशन को रोकने के लिए, हॉल्टिंग लैंग्वेज चेंज, ठीक है, इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, यहाँ पे लिखा हुआ है जो सेकेंड हाफ है 18th सेंचुरी का, ठीक है, वी ऑलरेडी फाइंड एडवोकेट्स ऑफ दिस व्यू, हमें पहले ही इसके एडवोकेट्स मिल चुके थे, और वो कौन थे, जोसेफ प्रीस्ली, ठीक है, जो बंदे थे जोसेफ प्रीस्ली ऐसे, ठीक है, वो रूडिमेंट्स जो उनके जो फंडामेंट्स थे, क्या थे, फंडामेंटल व्यूज थे ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इंसिस्ट दैट, क्या इंसिस्ट करते थे, जो कस्टम होती है स्पीकिंग की, ठीक है, जो जो भी हो कस्टम ऑफ स्पीकिंग इज ओरिजिनल एंड ओनली जस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एनी लैंग्वेज, ठीक है, वो कोई ओरिजिनल जो है वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज का, जो हम जैसे बोलते हैं, ठीक है, जो स्पीच होती है हमारी वही होती है, ठीक है, जनरल, जिसे हम जनरली कहते हैं, जनरल आदमी कैसे बात करते हैं किसी से, ठीक है, तो डायलैक्ट्स होते हैं, जो डायलैक्ट्स हर जगह पे चेंज होते हैं, लाइक पंजाबी, पंजाबी बहुत सारे हैं, ठीक है, बट अमृतसर के पंजाबी थोड़ी अलग लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, और जलंधर साइड थोड़ा अलग बोलते हैं, बठिंडा साइड थोड़ा अलग बोलते हैं, ओके, तो ये जो है कि कस्टम ऑफ स्पीकिंग है, ठीक है, इज द ओरिजिनल एंड ओनली जस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एनी लैंग्वेज, वो कुछ स्टैंडर्ड है कि लैंग्वेज का, कैसे बोलते हैं कैसे नहीं बोलते हैं। ओके, सो आंसर क्या है, नो है, ठीक है, 18th सेंचुरी में नहीं है ये, 18th सेंचुरी के बाद नहीं है, सॉरी 18th सेंचुरी में ही आ गए थे इसके जो एडवोकेट्स थे, ठीक है, ये अपीयर हुआ था 18th सेंचुरी में ही। ओके, एट्थ वन, बोथ डिस्क्रिप्टिविस्ट्स एंड प्रिस्क्रिप्टिविस्ट्स हैव बीन मिसरिप्रेजेंटेटेड। ओके, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिविस्ट हैं और प्रिस्क्रिप्टिविस्ट हैं, उन दोनों को ही देखो इसमें क्या कहते हैं, इसकी एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं, वो एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ गलत ही बोलते हैं कि वो ऐसे हैं, उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने घोटाले किए, कुछ किए, तो वो जो दो पार्टीज होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे नाम लगाती हैं कि जो उन्होंने किया भी नहीं होता, तो वो चीजें बताती हैं, तो उसे कहते हैं मिस रिप्रेजेंट करना, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर गलत मतलब कोई ना कोई व्यू रखना गलत। ओके, सो लास्ट पैरा की फर्स्ट लाइन में जहां पे लिखा है, इन आर ओन टाइम द ओपोजिशन बिटवीन डिस्क्रिप्टिविस्ट्स एंड प्रिस्क्रिप्टिविस्ट, हमारे ही टाइम में जो डिस्क्रिप्टिविस्ट हैं और प्रिस्क्रिप्टिविस्ट हैं, हैज ओफन बिकम एक्सट्रीम, वो इतने एक्सट्रीम हो जाते हैं, इतने ऊपर चले जाते हैं कि विद बोथ साइड्स पेंटिंग अनरियल पिक्चर्स ऑफ अदर्स, ठीक है, कि जो दोनों साइड हैं वो एक दूसरे की अनरियल पिक्चर्स दिखा रहे होते हैं जो कि है ही नहीं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे होते हैं। सो आंसर क्या है, यस, वो ऐसा कर रहे हैं, मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, एंड दैट इज लैंग्वेज डिबेट, जिसपे फिलिप्स हैं, और फिलिप्स क्या हैं, जो हमें टेबल में से निकालने हैं आंसर, वहां पे जो भी होंगे पैरा में हमें वो आंसर उठा के उनके यहाँ से सिरने में उठाने हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, जो नाइन्थ है, अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्टिविस्ट देर इज ओनली वन करेक्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। देखो मैंने आपको बताया था कि प्रिस्क्रिप्टिविस्ट कौन होते हैं, वो होते हैं जिनके हिसाब से सिर्फ एक ही लैंग्वेज सही है, वो हम ही हैं, हमने लैंग्वेज बनाई है तो रूल भी हमने बनाया है, तो उस रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये क्या लैंग्वेज डिबेट के बारे में है, और ये जो आपका गिवन है, ये आपका गिवन है फोर्थ पैरा में, फोर्थ पैरा की अगर हम फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे, जहां पे लिखा है ऑल द मेन लैंग्वेजेस हैव बीन स्टडीड प्रिस्क्रिप्टिवली, ठीक है, तो ये प्रिस्क्रिप्टिवली पढ़ाई गई है, ठीक है, जो भी लैंग्वेजेस हैं, तो प्रिस्क्रिप्टिविज्म यहां से उठाया गया है, ठीक है, प्रिस्क्रिप्टिवली कि जो हमने बनाया उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आपको देता हूं, अभी बताता हूं। यहां पे लिखा है स्पेशली इन द 18th सेंचुरी अप्रोच टू द राइटिंग ऑफ ग्रामर्स एंड डिक्शनरी, क्या है, द एम ऑफ दीज अर्ली ग्रामेरियंस वर थ्री फोल्ड, क्या थे वो, तीन थे, एंड दे वॉन्टेड टू कोडिफाई द प्रिंसिपल ऑफ द लैंग्वेज,
ठीक है, क्वालिफाई करना चाहते थे टू शो दैट देयर वाज अ सिस्टम बीनीथ द अपेरेंट केओस ऑफ यूसेज, कि इसके नीचे एक सिस्टम है, किस चीज के नीचे जो भी एक केओस होता है, जो खिलारा डल रखा होता है, काफी ज्यादा खिलारा मतलब कोई चीज बिखरी हुई होती है उसको कहते हैं केओस, ठीक है, तो उसके नीचे एक सिस्टम है कह रहे हैं। दूसरा क्या है, दे वांटेड अ मींस ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट्स ओवर यूसेज, ठीक है, वो चाहते हैं कि कोई ना कोई सिस्टम हो जैसे वो डिस्प्यूट को जो यूसेज है उसके डिस्प्यूट को सॉल्व कर सके। थर्ड, दे वांटेड टू पॉइंट आउट व्हाट दे फेल्ट टू बी कॉमन एरर्स, तो वो पॉइंट आउट करना चाहते थे कि उन्हें क्या लगता है कि कॉमन एरर्स कौन से होंगे इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द लैंग्वेज, कि कैसे लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। बट जो अथॉरिटेरियन नेचर था अप्रोच, ठीक है, वो क्या था, बेस्ट कैरेक्टराइज कैसे होता था, रिलायंस ऑन रूल्स ऑफ ग्रामर, ठीक है, तो कैसे ग्रामर को यूज करते हैं, एंड सम यूजेजेस आर क्या था, प्रिस्क्राइब, तो वो क्या था, प्रिस्क्राइब किए गए थे, तो जो प्रिस्क्रिप्टिविज्म उसी के ऊपर रखा गया था, प्रिस्क्राइब किया गया टू बी लर्न्ड एंड फॉलोड एक्यूरेटली, कि उसे बस सीखा जाएगा और उसे फॉलो किया जाएगा एक्यूरेटली, सही तरीके से, गलत कुछ नहीं करना, ठीक है। सो आंसर क्या है, प्रिस्क्रिप्टिविस्ट। ओके, द नेक्स्ट वन एंड दैट इज द 10th वन, लिंग्विस्ट्स हु टेक दिस अप्रोच टू लैंग्वेज प्लेस ग्रेटर इंपॉर्टेंस ऑन ग्रामेटिकल रूल्स, तो ये भी हमने जो पढ़ा था उसी के ऊपर है कि जो लिंग्विस्ट्स थे, ठीक है, खासकर प्रिस्क्रिप्टिविस्ट के, वो क्या करते थे, वो अप्रोच रखते थे लैंग्वेज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे किस चीज को, ग्रामेटिकल रूल्स को, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर रूल्स नहीं है और रूल्स भी जय हुए हैं वो हमारे हिसाब से होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे यहाँ पढ़ा था, सारी डिस्क्रिप्शन पढ़ी, ठीक है, कि ऑल द मेन लैंग्वेजेस जो थी वो स्टडी प्रिस्क्रिप्टिवली थी, और स्पेशली 18th सेंचुरी में उन्होंने 3-fold रूल्स रखे, ठीक है, जिनके बारे में आपको बताया कि कोडिफाई किया गया पहले, कि जो केओस है उसके नीचे एक सिस्टम है बता रहे थे, उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि है ना कोई मीन्स है जो डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, और तीसरा जो है वो बताया था कि कैसे हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, कि उन्हें लगता था कि वो कुछ गलत चीजें होंगी उसमें, कुछ ना कुछ एरर्स आएंगे, उन्होंने इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। बट जो बेस्ट तरीका था उनका वो क्या था, द अथॉरिटेरियन नेचर ऑफ द अप्रोच इज बेस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स रिलायंस ऑन रूल्स, कि वो कैसे रिलाय करते हैं रूल्स के ऊपर, किस चीज के, ग्रामर के रूल्स के ऊपर, ठीक है। सो आंसर क्या है, रूल्स। ओके, द नेक्स्ट वन दैट इज 11th। ओके, कन्वर्सली द व्यू ऑफ डिस्क्रिप्टिविस्ट, अब जो यहाँ पे व्यू है किस चीज का, डिस्क्रिप्टिविस्ट का, जो क्या कौन थे डिस्क्रिप्टिविस्ट, जो खुले विचारों वाले थे, जिन्हें लगता था कि अगर कोई वर्ड ज्यादा यूज हो रहा है, अगर कोई लैंग्वेज में कोई चीज चेंज आ रहा है तो उसे आने दो, अगर बहुत सारे लोग यूज करने लग गए हैं तो उसे अपना लो, उसे डिक्शनरी में ऐड कर लो, सच एज जोसेफ प्रीसली, जोसेफ प्रीसली जैसे लोगों की यहाँ पे एग्जाम्पल ली गई है। ओके, इज दैट ग्रामर शुड बी बेस्ड ऑन, किस चीज के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए ये, सी पॉपुलर स्पीच, पॉपुलर स्पीच क्या होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज, कि हम कैसी पॉपुलर स्पीच है हमारे बीच, कौन सी स्पीच हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, कैसी चीजें यूज कर रहे हैं, डायलेक्ट कैसे यूज कर रहे हैं, लैंग्वेज कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो व्यू किस चीज का था, डिस्क्रिप्टिविस्ट का, और ये जो आपका आंसर गिवन है ये है फर्स्ट पेज लास्ट पैरा, लास्ट पैरा की अगर हम लास्ट 3 lines पढ़ेंगे जहां पे लिखा है, Nevertheless, there is an alternative point of view. ठीक है, यहाँ पे alternative point of view था, यहाँ पे alternative क्यों बता रहे हैं, यहाँ पे पहले हमने बात की prescriptivist की, जो हमारे बीच अभी भी है, उसके बाद फिर भी ठीक है दूसरों की बात कर रहे हैं आप descriptivist की। There is an alternative point of view that is concerned less with standards. ठीक है, वो जो standards को ज्यादा मानते नहीं थे, than with the facts of linguistic use. ठीक है, and this approach is summarized in the statement. कैसे summarize किया गया, that it is the task of grammarian. ठीक है, टास्क किसका, ग्रामेरियन का है, क्या चीज करनी, डिस्क्राइब करना, तो यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्टिविस्ट जो आंसर आया कि उनका काम है डिस्क्राइब करना, जो हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्टिविस्ट की बात की थी। ओके, द व्यू ऑफ डिस्क्रिप्टिविस्ट, मैं उसकी बताता हूँ कि एग्जांपल के जोसेफ प्रीसली कहाँ पे लिखा है। ओके, सो डिस्क्राइब करना, ग्रामेरियन टू डिस्क्राइब नॉट प्रिस्क्राइब। ओके, टू रिकॉर्ड द फैक्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और नॉट टू अटेम्प्ट द इम्पॉसिबल टास्क, कौन सा इम्पॉसिबल टास्क को अटेम्प्ट करना नहीं करना चाहिए, टास्क ऑफ इवेल्युएटिंग लैंग्वेज वेरिएशन, तो लैंग्वेज वेरिएशन को इवेल्युएट करना और रोकना किस चीज को, लैंग्वेज चेंज को। एंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी वी ऑलरेडी फाइंड, हमें कौन मिले, एडवोकेट्स मिले ऑफ दिस व्यू सच एज जोसेफ प्रीसली, इसी की बात की गई है यहाँ पे, जोसेफ प्रीसली, सॉरी यहाँ पे जोसेफ प्रीसली, ठीक है, दैट ग्रामर शुड बी बेस्ड ऑन पॉपुलर स्पीच, तो मैं अभी यही डिस्क्राइब करूंगा
कि कैसे बताया गया, जोसेफ प्रीस्ली कौन थे, वो डिस्क्रिप्टिविस्ट थे हुज रूडिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर इंसिस्ट दैट, क्या इंसिस्ट करते थे दैट द कस्टम ऑफ स्पीकिंग इज द ओरिजिनल एंड ओनली जस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एनी लैंग्वेज. वो क्या है, ओरिजिनल और उसका स्टैंडर्ड है किसी भी लैंग्वेज का, ठीक है, वो कैसे यूज करते हैं. तो स्टैंडर्ड ऑफ एनी लैंग्वेज क्या है, ये पॉपुलर स्पीच है कि कैसे लोग उसे यूज करते हैं, ठीक है, वो स्टैंडर्ड क्या है उसका. तो आंसर क्या है, पॉपुलर स्पीच 12th का, ओके, बेस्ड ऑन पॉपुलर स्पीच. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैरा, एंड दैट इज व्हाट इज द राइटर्स पर्पस इन रीडिंग पैसेज 1. क्या राइटर का पर्पस है, तो बताया गया है टू प्रेजेंट अ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ डिफरिंग व्यूज ऑफ लैंग्वेज. ठीक है, हिस्टोरिकल अकाउंट क्या है, जो डिफरिंग व्यूज थे लैंग्वेज के ऊपर लोगों के. देखो ये बताने की जरूरत नहीं है आपको कि कहां कहां लिखा गया है. फर्स्ट पैरा में बात की गई है ना, जैसे ये पॉपुलर स्पीच है, लिंग्विस्टिक डिबेट है, वो डिटोरियोरेट कर रही है किसको, अगर हम देखें इनटू इनवेक्टिव एंड पॉलेमिक एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, लालचन लगाए जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, गलत इल्जाम लगाए जाते हैं, ठीक है, बोला जाता है एक दूसरे को, एंड लैंग्वेज बिलोंग्स टू एवरीवन, वो हर एक को बिलोंग करती है. सो लोगों को लगता है कि उनका ओपिनियन है, वो होल्ड करते हैं ओपिनियन इस चीज के बारे में, ठीक है. तो कैसे मतलब लैंग्वेज को रखते हैं, मतलब लैंग्वेज का अरे बोलने के लिए वो भी उनका भी व्यू मतलब जरूरी है. और उसके बाद हमने बात की कि 18th सेंचुरी में कैसे लोग आए जो बता रहे थे ना, प्रिस्क्रिप्टिविस्ट आए थे, कुछ डिस्क्रिप्टिविस्ट आए, दोनों के बिल्कुल अलग अलग विचार थे, ठीक है. फिर हमने बात की कि 18th सेंचुरी में कौन आया था, एक जोसेफ प्रीस्ली नाम का बंदा आया जो कि बता रहा था कि डिस्क्रिप्टिविस्ट होना चाहिए, ठीक है, हमें डिस्क्राइब करना चाहिए किसी भी चीज को, बिकॉज लैंग्वेज जो है वो उस पर सबका हक है. तो उसके बाद हमने लास्ट पैरा में पढ़ा कि डिस्क्रिप्टिविस्ट और प्रिस्क्रिप्टिविस्ट कैसे एक दूसरे के ऊपर मतलब गलत इल्जाम लगा रहे थे. उसके बाद बताया गया डिस्क्रिप्टिव ग्रामेरियंस हैव बीन प्रेजेंटेड एज पीपल हु डू नॉट केयर अबाउट स्टैंडर्ड्स. डिस्क्रिप्टिव कौन से, जो कि मतलब समझते ही नहीं थे, वो कहते थे कि ग्रामर्स का कुछ भी मतलब कोई भी स्टैंडर्ड नहीं होता, ठीक है, स्टैंडर्ड है ही नहीं, स्टैंडर्ड हम सेट करते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड बदल जाते हैं. एंड बिकॉज ऑफ द वे दे सी ऑल फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज यूजेज आर इक्वली वैलिड. तो उन्हें लगता था कि जो भी है, जो लोग यूज कर रहे हैं, जैसे भी ग्रामर यूज कर रहे हैं और जैसे वो बोलते हैं, ठीक है, वो सब वैलिड है. एंड प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामेरियंस हैव बीन प्रेजेंटेड एज ब्लाइंड इग्नोरेंट्स. और प्रिस्क्रिप्टिव जो ग्रामेरियंस थे वो जो कहते थे कि हमारी लैंग्वेज हमने बनाई है तो ऐसे ही चलना पड़ेगा, ठीक है, वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा, रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. तो उन्हें बताया गया, क्या बताया गया था, कि वो अंधे भक्त थे, ठीक है, हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस के, ठीक है. सो आंसर क्या है इसका, कि हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ डिफरेंट व्यूज ऑफ लैंग्वेज, कि कैसे लोग व्यूज होल्ड करते हैं अपने लैंग्वेज के ऊपर. तो आंसर क्या है, बी. आई होप आपको ये रीडिंग समझ में आई होगी. अगर आपको समझ में आई तो प्लीज, ठीक है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को. थैंक यू.